मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबका भला करे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे, इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, आज की इस विधि में हम आपको बहुत ही अद्भुत विषय के बारे में, बहुत ही अद्भुत चीज से वशीकरण के बारे में बताएंगे, जो है चॉकलेट से वशीकरण। मित्रों, ये विधि आती है खिलाने पिलाने विधि के अंतर्गत, तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई और प्रॉब्लम है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार। तो चलिए मित्रों, जानते हैं विधि के बारे में, पर विधि बताने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सारी विधियां आजमाई हुई हैं और सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार हैं, इसलिए विधियों को करने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए और जैसा बताया है वैसा ही करें। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि विधि करते वक्त आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर कोई गलती हो गई तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसा बता रखा है वैसे ही करें। तो चलिए मित्रों, जानते हैं विधि के बारे में। मित्रों, आज की विधि बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर भी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बन रही है, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आज हम करेंगे चॉकलेट से वशीकरण। ये बहुत ही आधुनिक चीज है, पुराने जमाने में ये चीजें नहीं होती थी। तो ये वशीकरण कैसे सफल होगा उसका मैं आपको कारण बताता हूं। चॉकलेट में मीठा होता है और मीठी चीजों से वशीकरण का बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पावरफुल टोटका चला आ रहा है। आपने सुना होगा, घर के बुजुर्ग बोलते हैं, घर की माताएं बहनें बोलती हैं कि मीठा खाकर बाहर नहीं जाना चाहिए, मीठा खाकर पानी पीकर बाहर जाओ, क्योंकि मीठी जो चीजें हैं वो तंत्र विद्याओं को, काली शक्तियों को आकर्षित करती है, इसलिए मिठाई का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान तंत्र विद्या में माना गया है। तो मीठे के लिए अपन ने चॉकलेट को ही क्यों चुना, क्योंकि आज के जो आधुनिक जो समय है उसमें चॉकलेट खिलाना सबसे आसान माना जाता है। आपके हाथ से हो सकता है मिठाई कोई ना खाए, तो चॉकलेट आप कोई भी बहाना लेकर, चाहे आपके जन्मदिन का बहाना, चाहे कोई मन्नत पूरी होने का बहाना, किसी भी प्रकार का बहाना लेकर आप ये चॉकलेट किसी को भी खिला सकते हो। अब ये होगा कैसे वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये विधि आएगी खिलाने पिलाने वाली विधि के अंतर्गत, जो तंत्र विद्या में सबसे पावरफुल और तीव्र मानी जाती है। इसमें कोई समय नहीं लगता है, जैसे ही सामने वाला इसे खाएगा वैसे ही आपको धीरे धीरे इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये तुरंत गति से जाकर जिस प्रकार से मेडिसिन असर करती है उसी प्रकार से ये विधि असर करेगी। अब आपको इसे अच्छे तरीके से देखना है, अच्छे तरीके से समझना है कि आप इसे किस प्रकार से करोगे। खिलाने पिलाने की विधि सबसे पावरफुल विधि होती है, इसको करने से आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है। तो चलिए इसके समय के बारे में बात करते हैं। मित्रों, समय रहेगा किसी भी वार को, चाहे वो कृष्ण पक्ष का वार हो, चाहे शुक्ल पक्ष का वार हो, पक्ष की इसमें कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, पाबंदी रहेगी टाइम की, रात्रि 12 से 12:30 के बीच आपको ये विधि करनी है। रात में 12 से 12:30 के बीच आपको कपड़ा बिछाकर बैठना है और कोई भी चॉकलेट आपको लानी है या कोई मिठाई से भी आप कर सकते हो। इसमें मैंने सिर्फ ये चॉकलेट दिखाई, आप किसी भी मीठी चीज से ये कर सकते हो। उसमें जो मैं बताऊं वो आपको करना है, रात से 12 से 12:30 के बीच पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। और अगर चॉकलेट से आप ये कर रहे हो तो इसका रैपर आपको हटाना पड़ेगा, जो इसका कवर है, जो इससे, जो जिस थैली में ये पैक होकर आई है उसे आपको हटाना पड़ेगा और इस प्रकार से आपको इसे सीधे हाथ में लेना पड़ेगा। राइट हैंड में लेकर आपको मंत्र बोलकर इसे अभिमंत्रित करना पड़ेगा ताकि सामने वाले पूरी तरीके से असर करे आपके लिए। तो आप क्या बोलोगे, मानिएगा बहुत ही प्रचलित मंत्र है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके इसको तांत्रिक विद्या में ढाल गया है। तो मंत्र है, ध्यान से सुनिए, या देवी सर्वदेशो वश्य करणी सब्दिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। ये मंत्र लगभग हर व्यक्ति ने कभी न कभी या तो दुर्गा माता का या लक्ष्मी माता का जपा होगा। तो ये वशीकरण की जो देवी है काली मैया, उनके लिए ये मंत्र बनाया गया है। मंत्र दोबारा सुनिए, या देवी सर्वभूतेषु वश्य करणी सब्दिता नमस्तस्य 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 नमो नमः।
251 बार इस मंत्र का जाप करना है। कभी नाम नहीं लेना, किसी का भी मुख अंतर ध्यान नहीं रखना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये मंत्र बोल के इसे अभिमंत्रित करना है। और जब ये 251 बार आप ये मंत्र बोल लोगे, मंत्र दोबारा सुनिए, पिक्चर चला दी जाएगी, या देवी सर्वभूतेषु वश्य करणी संतिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, ये मंत्र आपको 251 बार बोलना है। मंत्र बोलने के बाद अभिमंत्रित हो जाए, बस इसकी जो कवर आया है उसमें आप पैक करके रख सकते हो। इसे वापस पैक करने से ये होगा कि किसी को शक नहीं होगा और इसे खिलाने में भी आपको आसानी रहेगी। फिर आपको रात्रि 12 बजे जब ये आपकी पूजा सफल हो जाए तो इसे वापस पैक करके इसे अपने तकिए के नीचे रख के सोना है। और फिर सुबह जब आप उठो दूसरे दिन, तो आपको दूसरे दिन ही इसे सामने वालों को खिलाना पड़ेगा। अब आपके खिलाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, आप इसमें से आधा तोड़कर खुद भी खा सकते हो क्योंकि आपने वशीकरण किया सामने वाले के लिए, तो अगर आप इसे खाओगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये मिठाई के ऊपर भी एप्लीकेबल है और ये इस चॉकलेट के ऊपर भी एप्लीकेबल है, आप किसी भी प्रकार की मिठाई से भी ये कर सकते हो। बस आपको सीधे हाथ में लेके मंत्र बोलना है और उसे अपने तकिए के नीचे रख के सोना है, किसी भी कागज में या कपड़े में लपेट कर। और फिर आपको दूसरे दिन पूरे दिन में सूर्यास्त के पहले पहले दूसरे दिन आपको इसे खिलाना है। आप भी इसमें से टुकड़ा तोड़कर खा सकते हो। जैसे ही सामने वाला इसे खाएगा उसके शरीर में यह चीज प्रवेश करेगी। आपने जो मंत्र बोला था रात में और इसे अभिमंत्रित किया था, उसका पूरा पूरा असर आपने आपको देखने को मिलेगा और सामने वाला मन से तन से पूरी तरीके से आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वशीकरण विधि आपने की है वो तंत्र विद्या में सबसे पावरफुल मानी जाती है, खिलाए पिलाए वाली विधि। ये विधि आप करिए, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। चॉकलेट या किसी भी मिठाई का प्रयोग आप इस विधि में कर सकते हो, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। करोगे तो करने से होगा, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। हम हर वीडियो में आपको ये बात समझाते हैं कि आप करिए, बहुत पावरफुल विधियां हैं, इसको करिए, करने से आपको पूरी तरीके से लाभ मिलेगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमें संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योति से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता दी।